इंडियन न्यूज सच की कहकर। दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां विद्युत उपकेंद्र काशीराम के SDO व JE आदि की मनमानी से विद्युत कनेक्शन धारक परेशान हो गए हैं। बिजली विभाग अधिकारी मस्त, गरीब जनता अंधेरे में त्रस्त। उन्नाव वार्ड नंबर 25 लोधनहार चांदमारी मुस्कान पैलेस के इर्द गिर्द का है, जहां पर लगभग 10-12 विद्युत कनेक्शन लेने के लिए कई बार काशीराम विद्युत उपकेंद्र के चक्कर लगा रहे हैं और SDO महोदय को विद्युत पोल एवं कनेक्शन संबंधित शिकायत पत्र भी दिया है। शिकायत पत्र देकर लगभग 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन विद्युत अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते अभी तक मोहल्ले के विद्युत पोल नहीं लगाए गए, जिससे वहां के नगरवासी विद्युत से वंचित हैं। हाल में ही अंधेरे की वजह से वहां पर कई घरों में चोरियां भी हो चुकी हैं, जिसको लेकर आज प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों ने SDO JE महोदय से बातचीत की। SDO और JE महोदय अपना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। JE का कहना है कनेक्शन धारक स्वयं एस्टिमेट बनवाकर अपने पैसों से पोल लगवाएं, तब जाकर विद्युत कनेक्शन हो सकते हैं। और वहीं पर एक बिंदु पर JE ने प्रकाश डाला है कि जब 10 कनेक्शन होना है तो वहां पर विद्युत विभाग की जिम्मेदारी होगी, लेकिन फिर भी विद्युत विभाग के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आसपास कई घरों में विद्युत कनेक्शन भी रिश्वत लेकर दिए गए हैं, जिनकी दूरी लगभग पोल से 100 मीटर है। विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की भ्रष्टाचारी से तंग आकर नगरवासियों को अंधेरे में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री का कहना है कि घर घर बिजली पहुँचेगी। कहाँ गए प्रधानमंत्री के सारे वादे, कहाँ गए मुख्यमंत्री के सारे वादे? सब वादे खोखले प्रतीत होते जा रहे हैं इन कर्मियों की वजह से। उन्नाव उत्तर प्रदेश से जिला ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट एंग्लो इंडियन न्यूज। क्या मामला है, आप लोग यहाँ विद्युत विभाग क्यों आए हैं? आप यहाँ कनेक्शन लेने के लिए आए थे। कनेक्शन के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था करीब 3 महीने पहले, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जय साहब से मिले तो जय साहब ने कहा एस्टीमेट बनवा, और ये दूसरे साहब बैठे हैं, इनका ये कौन साहब है? ये SDO साहब से मिले, ये लोग भी बोल रहे हैं। जय साहब पास जाइए। कहाँ कनेक्शन चाहिए? कनेक्शन यही काशीराम मोड़ के पास, इस तरफ शराब ठेके के पीछे, उधर गए बत्ती नहीं है लोगों के यहाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही, चोरियाँ भी हो रही हैं वहाँ, और कल मेरे यहाँ फिर चोरी हुई थी। एप्लीकेशन कितने दिन पहले दी थी आपने? करीब 3 महीने पहले। किसको दी थी? ये SDO साहब को। SDO साहब को जी। तो उस पर SDO साहब उस बार बोले थे कि आप एप्लीकेशन दिया था, कहने लगे हम सुनवाई करेंगे और देखेंगे क्या होता है उसके लिए, और आप ऐसे जय साहब से मिल लो। जय साहब को भी उस बार उन्हीं ने कहा था, जय साहब से भी हम लोग मिले थे, तो जय साहब ने कहा कि अब एस्टीमेट बनवा, चार पोल लगे वही बना के, उनका कहना था कि वो आगे जो है ट्रांसफर आगे बढ़ा ना, उस पर कोई सुनवाई हुई है। कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए मेरे हिसाब से। 3 महीने तो कितने लोग विद्युत धारक हैं वहाँ पे जो कनेक्शन लेना चाह रहे हैं? 10-12 लोगों के तो कनेक्शन होने ही होने आराम से। किसी का कनेक्शन है? कनेक्शन मेरे ख्याल से बहुत एक ही दो होंगे जो होंगे, बस आता है। हाँ आता होगा। आपके पास एप्लीकेशन भी लगाई थी अभी से 3 महीना पहले, जिस पर आपने क्या अभी कार्रवाई की है पोल के लिए? नहीं नहीं, अगर एक अगर पर्सनल कनेक्शन के लिए अगर लिया जाए तो एस्टीमेट दिया जाएगा, जब वहाँ पे 10 कनेक्शन का मतलब हो रहे हैं। 1 मीटर पर सर कितना खर्चा आता है कनेक्शन लेने पर? अरे 2100 रुपए का करीब। तो 5000 और 10000 और 7000 जो कर्मचारी ले रहे हैं
क्यों? आप क्या कहेंगे? क्यों आप बिल्कुल नहीं दीजिए, किसी को नहीं दीजिए। कनेक्शन नहीं दे रहे ना उनको, लेना उनके लिए मजबूरी है। तो जेई को उपभोक्ता की मजबूरी, अवर वंता को बताइए, आप संपर्क कर सकते हैं। अवर वंता तक की जिम्मेदारी 4 किलोमीटर तक देने की पे जो है, जहाँ पे विद्युत पोल की समस्या आ रही है वहीं पे कुछ कनेक्शन हुए हैं। आप हमें बताइए, पर्टिकुलर दिखाइए सही, ऐसे थोड़ा ना मान लेंगे। आपका विभाग जाके वहाँ सर्वे करे तो आप हमें पर्टिकुलर बताएंगे। सर वहाँ पे 2-4 कनेक्शन है, वहाँ पे ऑलरेडी 150 मीटर दूरी है। 150 मीटर दूरी पर है सर, तो पहले हुए होंगे, हो सकता है पहले कभी कोई किसी ने दिए हो, लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन प्रणाली में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, वो नए कनेक्शन, नया उस मुहावे कनेक्शन होना है जो जी, जो एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है जी, वो उसमें इस्टीमेट जमा होगा। कितना बनेगा सर इस्टीमेट? नहीं तो ये हम बनाएंगे, उसके बाद जो निकलेगा उसको आपके बाद पता चलेगा। इस्टीमेट इस्टीमेट जो है कंज्यूमर्स जो इस्टीमेट के लिए बना के हम देंगे, वो कंज्यूमर अपना जमा करेगा और उसके बाद इस्टीमेट लगेंगे। वो जो इस्टीमेट आप बनाएंगे वो कंज्यूमर जमा करेगा? हाँ, पोल का, और जो पोल के ऊपर वायर लगेंगे उसका भी इस्टीमेट कंज्यूमर ही जमा करेगा? अरे सब उसमें आ जाता है जी, और उसके बाद कनेक्शन भी कंज्यूमर ही करवाएगा। हाँ तो सर ये बताइए, फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास इतना पैसा नहीं होगा तो पोल वहाँ नहीं लगेगी? तो फिर आप विधायक जी के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करिए। पोल का इस्टीमेट का पहले कंज्यूमर ने कनेक्शन के लिए अप्लाई करेगा और हमसे कहेगा, तब बनता है। कि सर के लिए अगर लगवाता है तो इस्टीमेट लगा सकता है, जहाँ पर 10 कनेक्शन होना है वहाँ पे क्या क्या होगा? वहाँ विभाग लगाएगा क्या? पब्लिक खुद विद्युत धारक लगाएगा? हाँ विभाग लगाएगा। तो आपका विभाग लगाएगा? हम कह तो रहे हैं कि सर शुभ नाम क्या है आपका? सर शुभ नाम क्या है आपका? सर सर शुभ नाम का, हेलो आप क्या है सर? देखिए वो पहले कनेक्शन है, हमको मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं दूसरे आपको कार्रवाई करना चाहिए, अगर वहाँ पे कनेक्शन नहीं दिए जा रहे ऑलरेडी वहाँ पे है 150 मीटर की दूरी पे, तो उसपे आपका विभाग उस पर कार्रवाई करे, जांच करें उसकी। हमसे उसका कोई मतलब नहीं है, पहले क्यों हुए कनेक्शन, क्यों हुए, कैसे हुए, आपका कहना है कि इस पे मुझे कोई मतलब नहीं है।